एक घंटा लेने जाए। पहला क्वेश्चन देखता है कि हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं जो पार्ट वन के 1-30 वो जनरल क्वेश्चन होते हैं, बाकी आपको एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है PPVFR का जो चेयरमैन कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है वो डॉक्टर KV प्रभु है। ये ओल्ड पेपर है इसलिए उस टाइम पर अचिंचल साहब थे। डॉक्टर KV प्रभु इज द प्रेजेंट टाइम चेयरमैन ऑफ PPVFR। और आप जानते हैं जैसे कि PPVFR एक्ट कब बना था, PPVFR एक्ट सन 2001 में बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर विटामिन B12। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है विटामिन B12 का? तो जैसे कि अपन देखते हैं कि विटामिन B5 का जो नाम है वो है नियासिन है, B6 का है जो पेरोडिक्सिन है, B6 है ये विटामिन नियासिन B5 है, कोबलामिन होता है वो विटामिन B12 होता है, राइबोफ्लेविन होता है वो विटामिन B2 होता है, तो इसका आंसर आपका कोबलामाइन होगा। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज ना हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा साइंटिफिक नेम ऑल विटामिन्स के, कौन से विटामिन्स को क्या कहते हैं, B1, B2, B3, B1, B2, B5, B6, B12, विटामिन सी, स्कर्वियक एसिड, जो भी है, जो सारे के सारे विटामिन, कैल्सिफिरोल, डी, तो सारे विटामिन्स का आप अपना नाम ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडिया फार्म एक्सपोर्ट एस अर्निंग इन द ईयर 2011-12, तो अभी अपन 2020 की बात करेंगे। तो 2020 में जो लार्जेस्ट इनकम हुई थी वो आई थिंक सोयाबीन केक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट वाज एस्टेब्लिशमेंट बाय ICAR इन 2009 वाज अर्लियर नॉन एज PDBC बेंगलोर, PDBC बेंगलोर, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। फ्रेंड्स नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट जो पहले PDBC के नाम से जाना जाता था और बेंगलोर में एस्टेब्लिशमेंट था, और अभी इसका प्रेजेंट में जो नाम है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज करके, एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज करके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सकिंग पेस्ट ऑफ कॉटन एंड राइस, पहला कॉटन का इंसेक्ट होगा, दूसरा राइस का, तो इसके अंदर जो आंसर आएगा आपका बी आंसर राइट आएगा, एपिस गोसिपी और ट्रिपस ओराइजी दोनों है जो राइस के और कॉटन के स्किंग पेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज फर्टल पॉइजनिंग इन कैंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो इसके लिए क्लॉस्ट्रोडियम बोटुलिज्म ही इसका आंसर आएगा। बोटुलिज्म कोई सा भी प्रकार का आप बोतल में पैक करते हैं जो कि एक बैक्टीरिया है वो आपका डैमेज करता है उसको या पॉइजनिंग करता है उसको। क्वेश्चन नंबर 7, द काजेज ऑफ ग्रेट बंगाल फेमाइन वाज, ग्रेट बंगाल फेमाइन किससे आया था, सब जानते हैं बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, द ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, और ये 1943 में आया था, और इसका जो बोटिंग कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेल्मिंथोस्पोरियम स्पीसीज। और नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी इसके आसपास भी दोस्तों पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस इनसे से बन जाता है, जैसे कि करनाल बंट ऑफ वीट एनजी मित्रा 1931 ने इसको डिस्कवर किया था हरियाणा से, रस्ट ऑफ वीट, ब्लास्ट ऑफ राइस, प्लारिकुलेरिया ओराइजी, और ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे ताकि इन जैसे आप बंगाल फेमाइन का पढ़ा वैसे आप ब्लास्ट का, राइस का, इनके काजल ऑर्गेनिज्म सारे अपना एक दूसरे को अपन आप देखोगे तो आपका आई थिंक क्वेश्चन और ज़्यादा राइट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनोमाइसिटिस बिलोंग टू, फंगी है, एक्यूरेट्स है, माइसिलिया ऑस्ट्रेलिया, नॉन ऑफ दिस, तो नॉन ऑफ दिस आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए वायरस फ्री क्लोन फॉर वायरस इन्फेक्टेड प्लांट कैन बी ऑब्टेंड बाई, वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने के लिए आपको जो क्लोन लेंगे वो आप किससे लोगे, उसका सोर्स रहेगा मेरिस्टेम टिप कल्चर के अंदर वायरस फ्री प्लांट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच
of the following is not a object of national food सिक्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM का कौन सा ऐसा जो ऑब्जेक्ट नहीं है? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज तीनों इसके ऑब्जेक्ट है कि सस्टेनेबल इंक्रीज, रिस्टोरिंग ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी एंड देन प्रोमोटिंग यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड एंड ऑर्गेनिक सोर्स। क्वेश्चन नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका कि द एग्मार्टनेट एक योजना चली थी जो ही नेम से, ए पोर्टल फॉर द डिसिमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन इज ए जॉइंट एंडेवर ऑफ, ये DMI एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है। DMI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी पोर्टल के थ्रू ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन GDP वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि 2011-12 का पूछा अपन, 2020 की GDP की बात करें तो 17.8% है। डोंट कंफ्यूज, इसके लिए आप हमारे लेटेस्ट डेटा वाले यूट्यूब वीडियो पर भी विजिट करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन 2005-06 इन ड्यूरिंग 2015-16 के अंदर जो अपनी लैंड होल्डिंग साइज है वो 1.08 हेक्टेयर पर पर्सन है, और 1.15 थी वो थी अपनी 2010-11 के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो आपका आंसर है 1.9 के समथिंग है कि 2005-06 में इतना अपना, नहीं सॉरी 1.23 आंसर है इसका, बट ये ओल्ड हो गया डेटा अपना और अपने को इस हिसाब से चलना है क्योंकि अपने को लेटेस्ट से पूछेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ फार्मर, फर्स्ट कंसेप्ट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट चैम्बर को आपको टिक करना है। द टर्म हेटेरोसिस वॉज कॉइंड बाय, हेटेरोसिस टर्म किसने दी थी? GH Searle ने 1914 में दी थी, और बैटसन ने, ये दूसरा ऑप्शन है, बैटसन ने जेनेटिक्स टर्म दी थी वो 1905, और TH Morgan ने लिंकेज दिया था, लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, व्हेन ए ट्रांसजेनिक प्लांट क्लोज्ड विद ए नॉन ट्रांसजेनिक, व्हाट विल बी द जायगोसिटी स्टेटस ऑफ द F1 प्लांट। अगर आपको आता है तो हेटेरोजाइगस ही टिक करना होता है क्योंकि F1 मीन्स ही हेटेरोजाइगस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ फ्लोर इन द वर्ल्ड, USA इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ बिटालिन पिगमेंट, रिच सोर्स कौन सा होता है बिटालिन पिगमेंट का? बीट रूट, इसको सुगर बीट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अपन कि इन द ईयर ऑफ 2012 GM क्रॉप वॉज कल्टिवेटेड, कितना GM क्रॉप, अब अपन 2020 की बात करेंगे यहाँ पे क्योंकि ये ओल्ड पेपर है तो वो वाले डेटा ही आपको है। तो 2020 के FO स्टेट ने सिर्फ 2016 के लास्ट टाइम डेटा प्रोवाइड करवा रखे, तो अपन 2016 की बात करेंगे तो 2016 में 185.1 मिलियन हेक्टेयर और 28 कंट्री के अंदर GM क्रॉप उगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड ग्लाफोसेट किल द वीड्स बाय इनहिबिटिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ फिनाइल एलेनाइन ग्लूटामाइन और सिस्टाइन। तो ये फिनाइल एलेनाइन को डैमेज करता है और इसको जो ग्लाइफोसेट है उसको EPSP इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है, जो इस पिगमेंट को इनहिबिट कर देता है। इसका पूरा नाम है 5-Inol-3-Cyclamate फॉस्फेट सिंथेसिस पाथवे को इनहिबिट करता है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, एट हार्वेस्ट द अबोस्ट्रॉइड इज 5.5 एंड ग्रेन यील्ड इज द 4.5 हाईएस्ट पर हेक्टेयर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ पेडी, देन पेडी का HI क्या होता है। पहले एच फॉर्मूला अपन देखते हैं, इकोनॉमिक यील्ड ओवर बायोलॉजिकल यील्ड इनटू सो। अब इकोनॉमिक यील्ड कितनी है 4.5 क्विंटल, बायोलॉजिकल यील्ड कितनी है 4.5 प्लस 5.5, क्योंकि ऊपर वाले में सिर्फ एक्स्ट्रा दिया था तो आप गुणा सो। अब 4.5 बटेवा 10 इंटू सो
तो आपका 45 आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन ये कहीं आता है, नेट में भी आता है, जेआरएफ में भी आता है, एसआरएफ में होता है, सिमिलर क्वेश्चन आपके कई बार रिपीटेशन ऑफ द एग्जामिनेशन में बनता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेट्स ऑफ नॉन सिस्टम क्रोमेटेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम टेक्स प्लस ड्यूरिंग ड्यूरिंग पेकाइटिन और डिप्लोटीन में काइजमा होता है, काइजमा अपीयर इन डिप्लोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग रीज इज ए साल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक ऑफ ग्रेप्स। डॉग रीज किसका रूट स्टॉक है? साल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक ऑफ द ग्रेप्स। क्वेश्चन नंबर 24th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट आर मोस्ट वाइडली डिफिशिएंट इन इंडियन सोइल। तो कौन सा पोषक तत्व है जो इंडिया की सोइल में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व की जो कमी है वो है? तो मैं आपको यहाँ पे एक बार नोट करा देता हूँ, जिंक 47% रिपोर्टेड है, बोरोन 33% रिपोर्टेड है, आयरन 12% सोइल में डिफिशियंट है, और मैग्नीज 5% सोइल में डिफिशियंट है, और आपका कॉपर है जो वो 3.3% सोइल में डिफिशियंट है। इतनी कमी भारत की कुल मृदा में इतने पोषक तत्वों की जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी डिफिशियंट है। तो यहाँ पे जिंक का मोस्ट वाइडली पूछा है, मोस्ट वाइडली डिफिशियंट, तो जिंक 47 बोरोन 33 दोनों को जोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा ये टिक आपका आंसर रहेगा। बाकी जिंक और आयरन का दोनों का योग भी कमी होगा, इनका भी कम होगा, तो आपको ए वाला राइट आंसर आएगा इसमें। और फ्रेंड्स, ये सारे पोषक तत्वों का कितने कितने परसेंट एरिया में है, कौन कौन से एरिया में है, वो आप इस क्वेश्चंस को ज़्यादा सोल्व करोगे तो आई थिंक फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में इसके रिलेवेंट के सारे क्वेश्चन आपके ऑल क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्टिलाइजर इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ऐसे कौन से फर्टिलाइजर है जो भारत में प्रोड्यूस नहीं होते हैं? तो जितने भी पोटासिक फर्टिलाइजर है, एल्क पोटास फर्टिलाइजर होते हैं, वो भारत में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इससे पहले अपन ये फर्टिलाइजर्स का देखते हैं, DAP में 18% नाइट्रोजन होती, सॉरी फॉस्फोरस नाइट्रोजन होती है और 46% फॉस्फोरस होती है, यूरिया में 46.6% नाइट्रोजन होती है और 20% कार्बन होता है, और TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट के अंदर आपका 48% फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड एक्सटेंट ऑफ साल्ट अफेक्टेड सोइल्स इन इंडिया। साल्ट अफेक्टेड सोइल्स इंडिया में कितने हैं? 7.42 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ वाटरसाइड। वाटरसाइड का कौन सा फीचर्स नहीं है? हाइड्रोलॉजिकल यूनिट्स इसका फीचर्स होता है, बायोफिजिकल यूनिट इसका फीचर्स होता है, सोशियो इकोनॉमिक फीचर्स होता है, प्रोडक्शन यूनिट इज द नॉट फीचर्स ऑफ वाटरसाइड। तो दैट इट मीन्स दिस क्वेश्चन आंसर है द डी राइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर लाइज बिटवीन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज क्या है? आपको पता है ये सब क्वेश्चंस हर जगह हर क्वेश्चंस में आता है ये, कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो रेंज है वो -1 से +1 होती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्लियर कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी की रेंज पूछ ले, प्रोबेबिलिटी की तो 0 to 1 आती है। और इसके बाद अपने को अगर कई बार रिग्रेशन कोएफिशिएंट की पूछ ले तो -∞ to +∞ आती है। देखिए, फॉर द डेटा 1, -2 एंड फॉर द जियोमेट्रिक मीन वाच, तो आप इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे, -2 × 4 × 4³ / 1/3, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द एरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन इच, दो g² = h, ये आप अपना जो रिलेशनशिप है उसको रट के याद कर लीजिए चाहे समझ के याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको याद जरूर करना है। और दूसरी जो एक रिलेशन और होता है वो भी पूछ सकते हैं कभी कभी, mean-mode = 3 mean-median, और ये ब्रैकेट में 3 (mean-median। तो ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है क्वेश्चंस, तो आप इसका जो रिलेशनशिप है वो याद रखिएगा, आपका क्वेश्चंस में भी बहुत ही अच्छे तरह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर, द एक्चुअल के कंटेंट
ऑफ फर्टिलाइजर सैम्पलिंग हैविंग 1% K2O। क्योंकि आप देखिए कुछ दोस्तों फ्रेंड्स कि जो ओनली के की क्वांटिटी पूछते हैं तो आपको पता है उसको 0.83 फैक्टर से गुणा होते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजर होते हैं पोटास फर्टिलाइजर उनमें K2O प्रेजेंट होता है, नॉट K प्लस होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो एक फैक्टर है वो मैं आपको बताता हूँ, K2O बराबर K इंटू 1.20 के बराबर K2O इंटू 0.83। तो इसमें कन्फ्यूज ना होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल पीएच ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पी टू प्लांट इज, पौधे को क्रिटिकल कौन सा ऐसा जो पीएच मान है उस पर फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो पीएच 6.7, इसमें न्यूट्रल टू एंड न्यूट्रल टू स्लाइट एसिडिक सोयल में फॉस्फोरस की उपलब्धता होती है, स्लाइट एसिडिक सोयल। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल फैक्टर इन सी इक्वेशन, इन सी इक्वेशन में प्रोपोर्शनल फैक्टर सी की क्या वैल्यू है, 0.301 और इसी के अंदर नाइट्रोजन की क्या वैल्यू है मैं आपको बता देता हूँ एक बार, सबकी वैल्यू 0.122, फास्फोरस की 0.60 और पोटास की होती है 0.40। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, आता है कैसे न कैसे इस चीज़ को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, इफ द ग्रेन्स पर ईयर हेड आर 50, ग्रेन्स कितने हैं 50, देन टेस्ट वेट 40, देन वीट यील्ड इज 50 क्विंटल, देन नंबर ऑफ ईयर बियरिंग टिलर पर मीटर स्क्वायर क्या होगी। तो इसका जो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, 50 × 100 × 1000 × 1000 over 40 × 50 × 10000 = 250 आंसर। ओके, देन जैसा कि अपन देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन देखते हैं द वैल्यू ऑफ पोटास LB पर एकड़ इन द इनवर्स यील्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू द इनवर्स यील्ड लॉ के अनुसार पोटास की वैल्यू क्या रही थी, तो 318 इसका करेक्ट आंसर है, 318। एन इरीगेशन वाटर विथ EC इज 1.0 DSM वुड हैव टोटल सोल्यूबल साल्ट कंसनट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर और PPM, तो ये कितने PPM या कितने मिलीग्राम पर लीटर के बराबर हो, क्योंकि बात एक ही है, मिलीग्राम पर लीटर को चाहे PPM को, एक की बात है। तो इस क्वेश्चन को पिछली बार घुमाया गया था, पिछले वाले पेपर में अपन ने देखा था, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे 640 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिकेटर ऑफ बोरॉन डेफिशिएंसी इन सॉइल, बोरॉन डेफिशिएंसी इन सॉइल में कौन सी क्रॉप इंडिकेट करती, सनफ्लावर इज द करेक्ट आंसर। What is the what kind of parasitic weed the orobanki is? Orobanki कौन सा weed है? Hollow root है, hollow hemi root है, hollow stem है, hemi stem है। तो मैं आपको एक formula से बताता हूँ friends, CLOS, close CLOS, Cuscuta, hollow stem Loranthus, semi stem orobanki, hollow root और Striga hemi root। तो ओरोबिंकी आपका जो आंसर आएगा वो होलो रूट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स कंफ्यूज ना होने का अपने को, आंसर है ना कंफ्यूज ना होने का, चारों में से कोई सा भी पूछे आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, और मैं कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को बेटर तरीके से सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडामिथेलिन बिलोंग टू दी विच ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड्स, पेंडामिथेलिन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये डाइनाइट्रो एनाइल्स का है, तो 26 डाइनाइट्रो एनाइल्स ग्रुप से बिलोंग करेगा। द चिनोपोडियम एल्बम इज द पोल्यूशन इंडिकेटर, कौन कौन से पोल्यूशन इंडिकेट करता है, चिनोपोडियम एल्बम H2S और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये फीड कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स इसको आप खुद अपने लेवल पे सोल्व करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक इरीगेशन एग्रोनॉमी SR रेडी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिंपल और पॉपुलर क्वेश्चन है और आपका बनेगा ये क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन नंबर है, कि इफ़ ए क्रॉप इज इरीगेटेड 0.6 IWCP रेशो,
विथ 6 सेंटीमीटर डेप्थ देन इरीगेटेड इरीगेट आफ्टर। तो आपको मैं एक फॉर्मूले से इसको समझाता हूँ कि इसका आंसर कैसे आएगा। IW over CPE। देखिए IWCPE दिया तो मैंने इरीगेशन वाटर दिया है ना, डेप्थ दिया है इसकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देन आपका आंसर क्या हो, मान लीजिए CPE की वैल्यू नहीं दी, अपने को कैलकुलेट क्या करना, तो CPE कैलकुलेट करना है ना। CPE नहीं दिए ना, तो CPE को X मान लेते हैं। इरीगेशन वाटर कितना दिया है आपको, 6 दिया, डेप्थ यानी इरीगेशन वाटर डेप्थ, ठीक है। सिक्स ओवर एक्स बराबर कितना वैल्यू है आपकी, 0.6। इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो 0.6 इंटू एक्स बराबर 6, देन एक्स बराबर 6 ओवर 0.6 इज इक्वल टू 10 आपका आंसर, राइट, 10 आंसर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि अकेओची डिजीज ऑफ राइस ड्यू टू दी H2S पॉइजनिंग से जो होती है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें रिडक्शन ऑफ सल्फेट टू सल्फाइड में आंसर था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 अपन देखते हैं कि द डायमीटर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स विच आर कैरीड अवे ड्यू टू साल्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, मीन साल्टेशन प्रोसेस से सबसे ज्यादा कौन से पार्टिकल्स का होता है। तो इसका आंसर 0.1 to 0.5 आएगा साल्टेशन से। सस्पेंशन से जो बिलो 1 होती है रेंज, वो सस्पेंशन में होती है, और सरफेस क्रीप में ग्रेटर देन 0.5 वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका होता है। तो आंसर इसका सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए हाईली बेनिफिशियल एंड एसेंशियल एलिमेंट फॉर राइस बिलोंग टू द अदर एंड माइक्रोन्यूट्रेंट। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो माइक्रो और मैक्रो पोषक तत्वों की तरह चावल के लिए बेनिफिशियल होता है। तो सिलिकन आपको टिक करना है। सिलिकन के लिए आपको एक और बता देता हूँ, सिलिकन को जो प्लांट SiO4 या मोनोसिलिसिक एसिड के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन, एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी केजी पर हेक्टेयर मींस न्यूट्रेंट अप्लाइड यील्ड इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ न्यूट्रेंट अप्लाइड, देन 1 एंगस्ट्रॉम लेंथ इज इक्वल टू 10^-8 मीटर और 10^-10 मीटर और 10^-8 सेंटीमीटर 10^-8 सेंटीमीटर, कंफ्यूज ना होने का इस क्वेश्चन में। देन अनदर क्वेश्चन इज द डार्सी लॉ इज वैलिड फॉर, डार्सी लॉ दोनों के लिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंडीशन के लिए दोनों के लिए एलिजिबल है। देन 75 क्वेश्चंस नेक्स्ट, द डपोंग मेथड ऑफ रेजिंग राइस नर्सरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम फिलिपिन मलिना से ही आई थी। डपोंग मेथड में आपको जानते हैं 11 से 12 दिन की ओल्ड सीडलिंग, और इसके अंदर आपको पता 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 3 किलो सीड काम में लेते हैं, और 1 हेक्टेयर के लिए 30 मीटर स्क्वायर एरिया काम में लेते हैं। ये विदाउट लैंड आप सीडलिंग प्रिपेयर करके आप सोविंग कर सकते हो, टाइम सेविंग मेथड है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द लीफ इज प्रेजेंट इन वीट बट नॉट इन ग्रेसी वीट्स। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फेलेरिस माइनर के अंदर वो एबसेंट होती है, वाइड ओट में एबसेंट होती है, लेकिन ये आपकी राइस में सॉरी गेहूं में पाई जाती है, तो ये आरिकल होता है। तो देखिए ये छिद्दा सिंह में भी अच्छा दे रखा है और राजेंद्र प्रसाद एग्रोनॉमी में अच्छा दे रखा है, लीगल आरिकल किसमें प्रेजेंट होता है और किसमें नहीं होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एन इमेजरी लाइन ड्रॉन ऑन ए मैप कनेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल के लिए आइसो हाइट है, आइसो बार प्रेशर के लिए होता, आइसो थर्म टेम्परेचर के लिए होता। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। देन एट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन गॉड। ग्रीन गॉड आपको पता है, सब जानते हैं बैम्बो को कहते हैं। ड्रॉट अवेयरनेस मैकेनिज्म इज फाउंड इन, ड्रॉट अवेयरनेस मैकेनिज्म पर्मिलेट के अंदर पाई जाती है। सीड वायबिलिटी कैन बी टेस्टेड बाई यूजिंग द सोल्यूशन ऑफ टेट्राजोलियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, टेट्राजोलियम नाइट्रेट, टेट्राजोलियम क्लोराइड। ये लाकोन LACON ने 1939 में दिया था सीड वायबिलिटी के लिए कैलकुलेट करते हैं। द मोस्ट कॉमन ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर इन एसिड सॉइल, एसिड सॉइल में कौन सा पोषक तत्व होता है जो लिमिट में हो जाता है, कैल्शियम, क्योंकि ये कैल्शियम फॉस्फोरस के साथ कैल्शियम फॉस्फेट बना लेता है, तो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी एसिड सॉइल में कम हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनिंग ऑफ
browning of cauliflower is due to the deficiency of boron deficiency. CAM system is prevent in arid legume, cactus, pearl millet, sorghum. CAM plants होते हैं वो cactus इसका example है. The optimum temperature for wheat at flowering. Wheat की flowering के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 degree centigrade. और ripening temperature भी बहुत जगह पूछा जाता है. Ripening temperature जो होता है वो 14 से 15 degree centigrade होता है. ये RPC के exam में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. The recommended herbicides for weed control in chickpea. Chickpea में कौन सा herbicide या दलहन के कौन से herbicide से common है? फ्लूक्लोरेलिन, इसका जो ट्रेड नेम होता है वो बेसालिन होता है. बेसालिन इसको PPI स्टेज में दिया जाता है क्योंकि ये वाष्पशील वोलेटाइल इन नेचर का होता है. वोलेटाइल इन नेचर का होने की वजह से इसको PPI में देते हैं. और देखते हैं फिर सिसम इज बिलोंग टू द फैमिली. इसका मतलब अपने को सारे क्वेश्चन में सारे क्रॉप्स की फैमिली भी पता होनी चाहिए कि कौन सी क्रॉप कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन मिस हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन में मतलब सही की जगह गलत कर बैठोगे. तो सिसम पेडिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है और बाकी सबकी फैमिली आपको ध्यान में होनी चाहिए कौन सी क्रॉप कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है. एक जूट की फैमिली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये ऐसा कुछ नहीं बट जूट की पूछी जाती है. ग्रोइंग डिग्री डे कंसेप्ट इज यूजफुल फॉर फॉरकास्ट क्रॉप ड्यूरेशन और क्रॉप हार्वेस्ट डेट को फोरकास्ट करता है. GDD का जो मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, कई बार पूछ ले तो टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम ओवर टू माइनस बेस्ट टेम्परेचर. ओके, और ये क्रॉप ड्यूरेशन को भी चेक करता है, क्रॉप हार्वेस्ट डेट को भी चेक करता है. अगला जो GDD का रिलेशनशिप है, इट इज द मैथमेटिकली रिलेशनशिप बिटवीन द मेन टेम्परेचर अबव द बेस्ट टेम्परेचर इज नोन एज द GDD. और कई बार ऐसे फॉर्मूले से भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, वाट इज द वेल डिकम्पोस्ट कम्पोस्ट हैव द CN रेशो. वेल डिकम्पोस्ट कम्पोस्ट का जो CN रेशो होता है वो 20:25:1 होता है. देन क्वेश्चन इज वेरी नाइस, आप इसको एक्सप्लेन सही से करिएगा और सही से समझिएगा कि रोटेशनल इंटेंसिटी चेक करनी है अपने, ठीक है. क्रॉप कैलकुलेट करिएगा, पहले ईयर में मक्का 1, बार्ले 2, लैट पोटैटो 3, मूंग बीन 4 क्रॉप है फर्स्ट ईयर. सेकंड ईयर राइस 1, दूसरा पोटैटो, तीसरा वीट, चौथा ब्लैक राम. तो आपका रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होगी? तो नंबर ऑफ क्रॉप्स ओवर नंबर ऑफ ईयर इंटू 100/8/2 /100=400 आंसर आपका राइट. ध्यान रहे, एक तो इसके अंदर कोई भी इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग क्रॉप करते हैं अपन, प्लस का साइन आता है तो उस दोनों में से एक ही क्रॉप को काउंट किया जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालते समय. दूसरी चीज कि ग्रीन मैन्यूरिंग की कोई भी क्रॉप अपन लेते हैं तो उसको क्रॉप रोटेशन में इंक्लूड नहीं करते. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप लॉगिंग. क्रॉप लॉगिंग हैज मोस्टली यूज्ड इन न्यूट्रेंट मैनेजमेंट. क्रॉप लॉगिंग कौन सा जो क्रॉप होती है उसके लिए यूज किया जाता है? तो शुगर कैन में HF क्लीमेंट ने दिया था. शुगर कैन में नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए क्रॉप लॉगिंग प्रोसेस जो हवाई नामक कंट्री थी वहीं से HF क्लीमेंट ने दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरक्रॉपिंग कैन बी बेनिफिशियल इफ इट इज द LER इज ग्रेटर देन 1. अगर आपका लैंड इक्विवेलेंट रेशो जो 1 से ज़्यादा होगा तो आपका मींस जो इंटरक्रॉपिंग को बेनिफिट. पंजेंसी इन मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू. मस्टर्ड ऑयल की जो पंजेंसी होती है ग्लूकोसिनोलेट की वजह से होती है. इन जनरल द इरिगेशन इज ग्रोन टू क्रॉप व्हेन द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इन रूट जोन. रूट जोन में कितना मॉइस्चर होने पर इरिगेशन देते हैं? 10-25%. एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि 40% डिप्लेट इन अवेलेबल मॉइस्चर DASM पर प्लोइंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटूर बंड आर इफेक्टिव व्हेन स्लोप इज. कंटूर बंड कब तक इफेक्टिव होता है? अप टू 6%. बेंच टेरेंसिंग होती है वो 16% पर होती है, बेंच टेरेसिंग. और जिंक टेरेंसिंग होती है वो 10% पर होती है, जिंक टेरेस
10% होते हैं। देन रॉक फॉस्फेट आर जनरली यूज इन सॉइल विच आर स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉइल्स होती है, उसके अंदर रॉक फॉस्फेट का यूज करते हैं क्योंकि ये एसिड में सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं फ्रेंड, ग्रोइंग ऑफ एनुअल क्रॉप इन बिटवीन द पेरिनियल क्रॉप, पेरिनियल क्रॉप के बीच में एनुअल क्रॉप करोगे तो इसको एल ए क्रॉपिंग या हेजरो प्लांटिंग बोलते हैं। देन परसेंट कैल्शियम कंटेंट इन सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम कितना होता है, तो कैल्शियम एएसपी 19.5, सल्फर होता 12.5, फास्फोरस होता 16%, तो आपका 20 आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इरुका सेटावा क्या है, ये तारामीरा है जो ऑयल सीड क्रॉप है, जो मस्टर्ड ग्रुप की क्रॉप है, ठीक है, इसको इंडियन रैकेट क्रेस के नाम से भी जानते हैं और ये सबसे ज़्यादा ड्राट रेजिस्टेंस है और इरुका सेटावा इसका बॉटनिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट टिप ऑफ मैच इज कॉज्ड ड्यू टू, वाइट टिप ऑफ मैच किसकी कमी से होता है, आयरन से, ठीक है, आयरन की कमी से इसका रोग होता है। जैसे अब मोलिब्डेनम से व्हाइट टेल डिजीज होती है, जिंक से व्हाइट बर्ड होता है और आयरन से व्हाइट टिप होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पार्थेनियम यूजिंग ए मैक्सिकन बीटल जाइगोग्रामा बाइकलराटा, जाइगोग्रामा बाइकलराटा जो एक बायोलॉजिकल कंट्रोल। देन पर हेपिटा, देन क्वेश्चन, पर हेक्टेयर कंजप्शन ऑफ एन पी के इन इंडिया इज अबाउट, अभी प्रेजेंट टाइम 2020-21 की स्टेट के अकॉर्डिंग भारत में न्यूट्रेंट कंजप्शन है वो है 137.40 केजी पर हेक्टेयर है। इसमें नाइट्रोजन है आपका 89.01, फॉस्फोरस है आपका 34.87 केजी पर हेक्टेयर और आपका पोटास है 13.53 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, ये 2020 के स्टेट के अकॉर्डिंग है, तो आप फर्टिलाइजर का ध्यान रखें। द रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग रीचिंग द अर्थ सरफेस बैक इनटू द स्पेस इज कॉल्ड एज एल्बिडो, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एल्बिडो, एल्बिडो मीटर से इसको मेजर करते हैं और नेट रेडिएशन इसमें एक ऑप्शन है, ये नेट रेडियोमीटर से मेजर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दी विच टाइप ऑफ वाटर इज रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स, प्लांट्स को कौन सा पानी होता है अवेलेबल, कैपिलरी वाटर सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो द रेशो बिटवीन द इरीगेटेड एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज इज नोन एज डेल्टा, सिंपल सी डेफिनेशन पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसिटिविटी ऑफ टेंसियोमीटर इज ओनली अप टू द 0.85 एटमोस्फियर या बार। अब मैं इसके दो तीन क्वेश्चंस और बताता हूँ, ये सैंडी सॉइल के लिए मोस्ट सूटेबल होता है, ये इरिगेशन शेड्यूलिंग, टेंसियोमीटर इरिगेशन शेड्यूलिंग के काम में भी आता है। और अगला क्वेश्चन, इट इज द मेजर मैट्रिक पोटेंशियल को भी मेजर करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे कि विच डिजाइन इज द मोस्ट सुटेबल व्हेन फर्टिलिटी इन द टू डायरेक्शन, एलएसडी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। दूसरे हैं इनके अपन देख लेते हैं नाम क्या है, इसको CaCO3 को एग्रीकल्चर लाइम भी बोलते हैं और लाइम स्टोन भी बोलते हैं, लाइम स्टोन और कैल्साइट भी बोलते हैं, कैल्साइट, CaO कैल्शियम, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, और इसको आप जानते हैं CaMgCO3 का ऑल्टोइस, इसको डोलोमाइट बोलते हैं, डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंट एरिया ट्रीटेड विथ फर्टिलाइजर इन इंडिया इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर होता है वो किस में ज़्यादा कन्फ्यूज ट्रीटेड होता है, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा फेडी। देन एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ सोयाबीन फैचेस, ये क्वेश्चन पुराना हो गया है अपना, तो 8,000 करोड़ के समथिंग इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि द मोमेंट ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटास फ्रॉम सोयल रूट सरफेस टेक प्लेस, इसमें फ्रेंड्स कन्फ्यूजन है, कई बुक में डिफ्यूजन दे रखा है, किसी में मास फ्लो, पर मेरे हिसाब से इसमें डिफ्यूजन ही राइट आंसर आना चाहिए, लेकिन कुछ बुक में मास फ्लो भी इसका आपको आंसर मिल जाएगा, तो अपन देखते हैं। देखिए इसको एक बार आप लोग भी अपने लेवल पे कन्फ्यूजन करिएगा,
लेकिन मेरे हिसाब से इसमें डिफ्यूजन ना आके सॉरी मास फ्लो आंसर आएगा, जिसमें फास्फोरस और पोटास और जिंक का 33%, 33% मास फ्लो से ही एब्जॉर्ब होता है। फिर भी अपन फ्रेंड्स देखते हैं देखें कि इसका कन्फ्यूजन क्या आपको क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीड इज यूज्ड एज वेजिटेबल, ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसकी सब्जी बनाई जाती है, अमरंथस वीरिडी और ये C4 प्लांट होता है और स्यूडो सीरियल के नाम से जाना जाता है और मोनोसियस इन नेचर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोरेट कंटेंट ऑफ यूरिया इज शुड नॉट बी मोर देन अप्रोप्रिएट, ये अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के ऑर्डर 1 अक्टूबर 2002 के अनुसार आपको 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले 2% आंसर आता था लेकिन अभी वर्तमान में 1.5% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, विच राइस वेराइटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए, IR64 वेराइटी इज द मोस्ट सुटेबल वेराइटी है जो DSR में सबसे ज़्यादा यूज ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए C4 प्लांट, C4 पौधा कौन सा है, राइस वीट सोयाबीन मेज, नाम में स्पष्ट है तो आपका मेज इज द करेक्ट आंसर। और मेज के बारे में दो चार बात और बोल देता हूँ, मेज के क्वेश्चन हर बार आते हैं, एक तो इसका पॉपकॉर्न वाला आता है, स्नैक पर्पज के लिए भी कौन से मेज का यूज करते हैं, तो GMAZ-Yverta, और ये मोनोसियस इन नेचर में होता है मेज, मोनोसियस, और इसको प्रोटो एंड्री का एग्जाम्पल भी है, प्रोटो एंड्री, नर पहले मैच्योर हो जाता है, मेटाजीनिया भी मेज में पाया जाता है, मेटाजीनिया भी C4 प्लांट है, क्वीन ऑफ सीरियल्स के नाम से भी जानते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल्स के नाम से भी जानते हैं। देन नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर राइस ट्रांसप्लांटिंग 1/10 एरिया रखते हैं, 0.10 हेक्टर या 1000 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSP ऑफ वीट ड्यूरिंग 2020 में, आपको अगर वीट की जो MSP की बात करेंगे वो 1975 रुपये है RS पर क्विंटल। फ्रेंड्स इसके लिए हमारा यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ और सारी क्रॉप्स के हमने वहाँ पे MSP दी हुई, तो सबकी देखिए, ये पुराना जो पेपर 2013 में होता उसके अनुसार है, अभी अपने को वर्तमान में चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट अकर्स दैट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन रेफर टू द, इसका आंसर आपका आएगा मोड, मोड में मोस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ही रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द एरिड क्लाइमेट हैज द मॉइस्चर इंडेक्स, एरिड क्लाइमेट का मॉइस्चर इंडेक्स कितना होता है, -3.3 से 6.6 आपका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसाइज इज यूज दी पासिस असेस द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम्स, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के लिए कौन सा आपको असेस है जो यूज करते हैं, लीफ एरिया इंडेक्स, लैंड इक्विवेलेंट रेशो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इनकम के लिए IER इनकम इक्विवेलेंट रेशो भी अपन कैलकुलेट करते हैं कई बार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज द लॉन्गेस्ट परसिस्टेंट कौन सा हर्बिसाइड रखता है, ग्लाइफोसेट, वैसे ये नॉन सेलेक्टिव नॉन रेजिड्यूल और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है, बट इसका जो मिट्टी में परसिस्टेंट थोड़ा 6 महीने तक ज़्यादा होता है, तो ताकि ये अपने क्रॉप को डैमेज करता रहता है या उगने नहीं देता है उस टाइम पर। Which one of the following method is most widely used for estimation of PET? PET के लिए कौन सी मेथड को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो पिनमैन इक्वेशन या पिनमैन मॉडिफाइड मेथड को सबसे ज़्यादा PET कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे कि the onset of competition among the crop plants can be delayed by adopting onset of competition can be crop plants can be delayed by the adopting wider rows closer interspace, answer is the wider rows and closer interspace. Then the first mustard variety developed by Soma Clotic hybridization Pusa J. Kisan Bio-902 के नाम से जानते हैं इसको, ये प्रोफेसर वी एल चोपड़ा साहब ने इस वेरायटी को रिलीज किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोसुपर क्या है? बायोसुपर इज द रॉक फॉस्फेट और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है। देन द एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया 1194 mm, और राजस्थान के रेफरेंस में बात करेंगे 575 mm पर एनम। तो फ्रेंड्स कन्फ्यूज नहीं होने का, वर्ल्ड की बात करेंगे तो 1000 mm वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान, तो आपको एक क्वेश्चन कहीं कहीं मिल ही जाएगा। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज यूज फॉर कंपेरिजिंग टू पॉपुलेशन वेरिएशन? टू पॉपुलेशन वेरियंस के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं। सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन वेरियंस का आ जाए तो टी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर देना है। विच डिग्रेडेशन प्लेज मेजर रोल इन द परसिस्टेंस एंड बिहेवियर ऑफ द हर्बिसाइड इन द सोइल? इसमें वैसे कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है वो मेजर रोल होता है, बट फिर भी मैं भी थर्मल भी आ सकता है इसका आंसर। बट यह आप एक बार टीके दास की बुक को, हर्बिसाइड्स डिग्रेडेशन वाले चैप्टर को फॉलो कीजिएगा। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नाइट्रिफिकेशन इज 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर है आपका। देन ट्राइजिनेज बिलोंग ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड्स एक्ट बाई, ट्राइजिनेज जो ग्रुप के जो हर्बिसाइड्स होते हैं, डिसरप्टिंग मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, GTS इन्हें ग्लूटोथियोन एस ट्रांसफ्रेसिस के नाम से भी इनको जानते हैं। इन विच रीजन द होपकिंस बायोक्लाइमेट्रिक लॉ इज मेनली एप्लीकेबल? बायोक्लाइमेट्रिक जो लॉ है उसका, जो होपकिंस ने जो क्लासिफिकेशन किया वो सो कौन से रीजन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो आपको इसमें टेम्परेट क्रॉप का। आगे अपन दोस्तों देखते हैं मैथ्स द पेयर्स वाले क्वेश्चन जो JRF SRF में नेट में तो नहीं आते हैं, बट आपके कई सारे कंसेप्ट जरूर क्लियर कर देंगे, और कंसेप्ट क्लियर करना ही अपना मेन उद्देश्य है। ताकि सबसे पहला अपन क्वेश्चन देखते हैं, CO2 क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये गैस रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा NO2 ओजोन लेयर डिप्लेटेशन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है। थर्ड, ऑक्सीजन क्या किस काम आता? रेस्पायरेशन के लिए काम आता। देन मीथेन है जो, वो अपना क्या काम आती है? अपन एक बार फिर से इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन सोल्व हो रहा है। देखिए सबसे पहले अपन जो मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो एसिड रेन के लिए होती है, बी राइट करना है आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और मीथेन होती है वो ओजोन लेयर डिप्लेटेशन में काम आती है, और जो अमोनिया होता है वो एनाएरोबिक डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में आता है। सी ओ टू ग्रीन हाउस के लिए, एक बार फिर से अपन इसको सोल्व करेंगे, ग्रीन हाउस के लिए आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एसिड रेन के लिए आता है, और आपका जो ओजोन है O2 है वो रेस्पायरेशन के लिए आएगा, और मीथेन है जो आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना, फादर ऑफ टिलेज कौन है? जेथ्रो टूल है, अपन सब जानते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी पीटर डिक्रेसेंस, ये सब जानते हैं, डी राइट है। और फादर ऑफ जीरो टिलेज कार्बर, वैसे कई बुक्स में जी ट्रिपलेट भी दिया हुआ है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सी मोनोकोमा फुकुकोवा है, और फादर ऑफ मिनिमम टिलेज EH फॉकनर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैच द हर्बिसाइड विद देयर ट्रेड नेम। फर्स्ट आपका डायूरेन का जो हर्बिसाइड नेम है उसका कारमैक्स है, डायूरेन का कारमैक्स है, ग्लाइफोसेट का राउंड ऑफ है, डाइक्वाइट का जो हर्बिसाइड ट्रेड नेम है वो रेगलोन है, ऑक्सीफ्लोरफेन का गोल है, और नाइट्रोफेन का टॉप E25 है। देन कौन सी क्रिया कौन से क्रॉप में एसोसिएट है? जैसे कि आप तंबाकू में क्या किया जाता है, इससे आप मैच करते हैं अपन, टोबैको में क्यूरिंग की जाती है, जूट में रेटिंग की जाती है, सी राइट होगा, टी के अंदर फायरिंग की जाती है, और सनफ्लावर के अंदर बेटोनिंग प्रोसेस होती है, और चिकपी के अंदर निपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द एलिमेंट इज एस्टेब्लिशमेंट बाय, कौन से पोषक तत्व की जो अवेलेबिलिटी है उसकी एसेंशियलिटी को कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? पहला नाइट्रोजन का थियोडोर डी ससुरे है, अगला सल्फर का जो है वो है अपना सच NF है, आयरन का है जो गिरीस है E गिरीस, एंड देन बोरोन का रिंगटोन है सी राइट आएगा, और मैग्नीज का JSMC हरग्यूज है, जो बोरोन है रिंगटोन का 1923 में दिया। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाएगा।
मैच द क्रॉप विथ देयर डिजीज, कौन सी क्रॉप में कौन सी रोग होती है? पहला सुगर केन में रेड रॉट डिजीज होती है, दूसरा परमलेट में इरगट डिजीज होती है, नेक्स्ट चिकपी में फिल्ट होता है और राइस के अंदर ब्लास्ट होता है और वीट में लूज मट डिजीज होती है। तो आपको ये करेक्ट आंसर आपके राइट है इसी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन, आपको पता है कि खरपतवारों के नाम इंग्लिश और बॉटनिकल नेम में पूछ लिए हैं, तो आपको चिंतित ना होना, खरपतवार के नाम को पढ़ना है अच्छे से और बॉटनिकल नेम याद करने, हो सकता है आपके एक से दो क्वेश्चन इससे फंस जाए। पहला कडवीट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो आपका कडवीट का बॉटनिकल नेम है जो सी वाला होगा, गोफिलियम लिटो वा एल्बम, ठीक है। देन विच वीड स्ट्राइगा को बोलते हैं, स्ट्राइगा एसीटी का। स्वाइन क्रैश का जो बॉटनिकल नेम होता है वो कोरोनोपस दिदीमस। कॉमन कोकलवर का होता है वो जेंथोनियम स्ट्रोनियम। और कैनेडा थीस्टल का होता है सीडसियम आर्वेंसिस। अगला क्वेश्चन वेराइटीज से पूछा गया है, वेराइटीज अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मस्टर्ड की कौन सी वेरायटी है? पूसा विजय मस्टर्ड की वेरायटी है। मूंगबीन की वेरायटी पूछी, पूसा विशाल मूंगबीन की वेरायटी है। और फिर अगली राइस की वेरायटी पूछी तो रत्ना इज दी वेरायटी ऑफ राइस। देन मक्के की पूछी है, PRS-10 इज द राइस वेरायटी है। रत्ना मक्के की वेरायटी है एक्चुअली, सॉरी माई मिस्टेक, रत्ना इज द मक्का की वेरायटी है और गेहूँ की वेरायटी WR-544 है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिजीज के जो क्वेश्चन है वो है, डिजीज कौन सी क्रॉप में? ग्रीन ईयर डिजीज सब जानते हैं कि ये पालमिलेट में होती है, बाजरे में होती है। टिक्के डिजीज ग्राउंड नट में होती है। करनाल बंट गेहूँ में होता है। बक्कानी डिजीज राइस में होती है और फाइलोडी तिल में होती है, ठीक है। ये मैच द पेयर इज द क्लियर। एंड देन फाइनल क्वेश्चन है अपना लास्ट, मैच द साइंटिस्ट विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसराइल सन एंड वेस्टर्न फील्ड कैपेसिटी दिया, इसका ए आंसर आएगा। दूसरा रिचर्ड एंड गार्डनर ने जो आंसर दिया है वो है टेंसियोमीटर दिया, रिचर्ड एंड गार्डनर ने टेंसियोमीटर दिया। और ब्रिक्स एंड सांतोनाज ने है वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया, और टाइलर ने प्रेशर प्लेट एमरेटस दिया है, और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट रिचर्ड एंड फायरमैन ने दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से दोहराऊंगा कि BLK एग्रीकल्चर चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपको मेहनत करना है, कुछ नेट JRF SRF एग्रोनॉमी से रिलेटेड ऐसे चुटकियों में निकालना है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और हम आपके अधिक से अधिक कंसेप्ट सोल्व करने की, फिर ये पेपर अपन ने सोल्व करने में बहुत सावधानी बरती गई है और सारी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का इस्तेमाल की गया। फिर भी अगर कहीं आपको ऐसे डाउट लगे तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डॉक्टर BL कुमार, 9413105314, और बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सब लोगों का।